आईटीटी सुरत फ्रेशर्स मीट एट वेन्यू अवधुतोपिया में अनोखो आयोजन करवामां आव्युं छे। उत्साहभेर मॉडल्स रेम्प वॉक करी भाग लीधो हतो। आईटीटी सूरत लीडिंग इंस्टिट्यूट ऑफ फेशन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग हर हमेश कंईક ने કંઈક નવું કરવામાં જાણીતું છે, ત્યારે આજે સફળતાપૂર્વક ટેલેન્ટ હન્ટ મોડલ્સ રેમ્પ વોક અને ક્વિઝ પ્રોગ્રામ સાંજે 4-7 કલાકની વચ્ચેનો હતો અને પ્રભાવકો દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જે ગુજરાતના હૃદયની ધડકન છે। ए आर जे राही, बी आर जे परिमा, सी गौरव जैन। समग्र प्रोग्राम खूब ज उमंग अने उत्साहभेर करवामां आव्यो हतो अने तमाम विद्यार्थीओने लागणी छे के फेशन अने व्यावसायिक शिक्षणना इतिहासमां आ एक दाखला रूप समान छे। आ ग्रांड फ्रेशर मीट साथे जोडायेला तमाम सहभागीओ अने व्यक्तिओ प्रत्ये निष्ठापूर्वकनो आभार इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइनर एंड टेक्नोलॉजीए मान्यो हतो। अंकिता गोयल, डायरेक्टर ऑफ इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। आज हमने अपने स्टूडेंट्स की आईआईटी के इंस्टीट्यूट्स की 10वीं फ्रेशर्स पार्टी यहाँ पर की है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सारे ही स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन लिया। और स्पेशल इसका मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी हमारे इस नए इंडस्ट्री में, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अब एंटर करने वाले हैं, वो सभी लोगों से घुल मिल लें, यहाँ की इंडस्ट्री को जान पहचान लें और अपने सीनियर से जो कि इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं उनसे ज़्यादा, उन सबके प्रति एक रेस्पेक्ट डेवलप करें और इस इंडस्ट्री को लेकर आगे बहुत ही ज़्यादा सीरियस हों। इस पार्टी में लगभग 150 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें फर्स्ट ईयर और सीनियर्स और जूनियर्स दोनों ही साथ में थे। और हम लोगों ने इसमें रैम वॉक किया, टैलेंट हंट किया, इसको ज्यूरी किया, जज करने के लिए भी सूरत के आरजे राहिल, परिमा और गौरव जी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने इन सबको जज करके फाइनली हमारे मिस्टर और मिस फ्रेशर्स का चयन किया। सी, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये उनका एक पहला स्टेप है फैशन इंडस्ट्री में, तो इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस वो रहें और आगे उनके लिए बहुत सारी अभी जर्नी बाकी है, बहुत सारे अभी चैलेंजेस बाकी हैं जो इनको फेस करने हैं। एंड एज एन इंस्टीट्यूट, एज अ मैनेजमेंट, वी आर देयर टू गाइड देम फॉर एवर। आयुषी पारेख है, हूँ आईडीटी फर्स्ट ईयर ना फैशन डिजाइनिंग में छूँ। अमरु फ्रेशर्स पार्टी थी फर्स्ट ईयर माटे, એટલે અમે એકચ્યુઅલી એ રીતે રાખેલી પાર્ટી કે બધા એકબીજાને ફર્સ્ટ યર, સેકન્ડ યર અને થર્ડ યર એકબીજાને જાણે, ઓળખે અને ફ્રેન્ડશીપ થાય, એ માટે આ પાર્ટી રાખી હતી। અમુક હતા ફર્સ્ટ યરના જ હતા, મેઇન તો હેન્ડલ બધું સેકન્ડ યર અને થર્ડ યરે કરેલું, તો અમારામાંથી ઓલમોસ્ટ 20-25 લોકોએ પાર્ટિસિપેટ કરેલું। મજા આવી, બધાને એકબીજા સાથે મળ્યા, હર્યા અને એકબીજાને જાણ્યું, સારું લાગ્યું। આ કોન્સેપ્ટ એ રીતે ડીજે એટલે રાખેલું અમે લોકોએ કે એ જ હતું, મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું એ રીતે કે એકબીજાને ઓળખીએ, જાણીએ, એટલા માટે એક આવી પાર્ટી ઓર્ગેનાઇઝ કરી કે એક ડાન્સ બી થાય, એકબીજા સાથે વાતો પણ થાય। અને હું એઝ અ સેન્ટર હેડ એનડીટીમાં કામ કરું છું। આ ફ્રેશર્સ મીટ એટલા માટે રાખી હતી કે આઈસ બ્રેક થાય અને છોકરાઓ ફર્સ્ટ યરના, સેકન્ડ અને થર્ડ યર સાથે હળી મળીને આગળ પોતાનું કરિયર સ્ટાર્ટ કરે અને સારું ભણતર કરીને એ લોકો આપણા દેશને આગળ વધારે। આ એક્ટિવિટીમાં આપણે ટેલેન્ટ હન્ટ કર્યું હતું, પછી એમાં રેમ્પ શો હતું અને અવધ તરફથી એમાં ગિફ્ટનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું વિનર્સ માટે। બ્યુરો રિપોર્ટ, એલકે સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત।